बजट सत्र में आज भी संसद में हंगामे के आसार, अडानी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध। विपक्ष की मांग, संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक हो रिपोर्ट। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के चीनी लिंक का उठाया मुद्दा, कहा ये इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संसद में अडानी समूह विवाद पर कांग्रेस का बयान, अब LIC अपना स्लोगन बदलकर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी की जगह अडानी जी के साथ कर दे। अडानी समूह विवाद पर ओवैसी बोले, गौतम अडानी के कारोबार को एक सप्ताह में करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े नुकसान में से एक है। संसद में ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए LIC राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अडानी समूह पर चले घमासान को लेकर कांग्रेस LIC और SBI ऑफिस के बाहर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस का प्रदर्शन महासचिव KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में होगा। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 26% तक लुढ़का। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बड़ी मुश्किल, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंकों से पैसे के लेन देन की मांगी जानकारी। बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बजट के बारे में विस्तार से बताएंगे वित्त मंत्री। आज होगी संसद भवन की लाइब्रेरी में क्लास। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 400 अंक और निफ्टी में 80 अंकों की बढ़त। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर NSE की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच बांग्लादेश ने दिया जोर का झटका, साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। शेयर बाजार में आई सुनामी के बीच जनता पर महंगाई की एक और किश्त, अमूल दूध के दाम 3 रुपए तक बढ़े। अमूल दूध 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा, अमूल ताजा दूध अब 54 रुपए प्रति लीटर। अमूल गोल्ड दूध का दाम अब प्रति लीटर 66 रुपए हुआ। कांग्रेस ने ट्वीट कर उठाया अमूल दूध में बढ़ोतरी का मुद्दा, एक साल में 8 रुपए की बढ़ोतरी का किया जिक्र, अच्छे दिन लिखकर कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएम मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई, आज का सुबह 11 बजे तक होगी सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच, एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील ML शर्मा की याचिकाओं पर आज सुनवाई। ब्रिटेन ने BBC की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा, भारत के साथ संबंधों में भारी निवेश। दिल्ली के CM केजरीवाल ने फिर साधा LG पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव साफ करेगी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने ट्वीट करके दी जानकारी। प्रयागराज में दिनेश शास्त्री के रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर जताई नाराजगी, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी भरी हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिनेश शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे लोग कैंसर की तरह हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रामचरितमानस पर सपा प्रवक्ता द्वारा किए गए बयान पर किया पलटवार, बोले राम के प्रति SP का असली चेहरा आ गया सामने। SP के प्रवक्ता सुनील साजन का रामचरितमानस पर विवादित बयान, कहा रामचरितमानस में एक दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। नेपाल से अयोध्या पहुंची दो शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत, राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सौंपी गई शिलाएं। प्रयागराज संगम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई डुबकी, सतुआ बाबा आश्रम में पढ़ा। अयोध्या के राम कार सेवापुरम में शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने नेपाल सरकार का किया शुक्रिया, कहा माता सीता के मायके से शालिग्राम शिलाओं का आना सौभाग्य की बात। परमहंस आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दिया विरोध का पत्र, कहा शालिग्राम शिलाओं को तोड़ना धर्म के खिलाफ। अयोध्या पहुंचे शालिग्राम शिलाओं को लेकर वाराणसी के भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर VP सिंह का बयान, संरक्षण के साथ लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगी मूर्तियां। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीला तूफान की चेतावनी, अगले 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में है खतरा। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान, धूप खिलने से मिली थोड़ी राहत। जोशीमठ के भूस्खलन में दिखे साइड इफेक्ट, सूखने लगे सारे प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तरकाशी में दिखा ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार कम बर्फबारी से फसल को लेकर किसानों में चिंता। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश, स्कूल और कॉलेजेस में एक दिन के लिए दी गई छुट्टी। श्रीनगर में जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ,
सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक बर्फ की जमी मोटी परत। श्रीनगर में सैलानियों की है मौज, काकापुर रेलवे स्टेशन सफेद बर्फ से ढक गया, रेल के सफर में खूबसूरत बर्फबारी का नजारा। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में 4.5 लाख घरों वाले शहर पर बर्फ से दिखी सफेदी की रंगत। टेक्सास में बर्फ में जमे नजर आए पेड़ पौधे, पेड़ों की टहनियों पत्तियों पर जम गई है मोटी बर्फ की परत। टेक्सास के पार्कों में झूले पर लटकी बर्फ की झालरें, पार्क में हर तरफ फैला है सफेदी का साम्राज्य। बर्फ का वजन ना सह पाने से पेड़ों की डालें टूटी। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, पहले हिस्से में गवर्नर का अभिभाषण, दूसरे हिस्से में बजट पर होगी चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले, जो भी जिम्मेदारी देंगे प्रधानमंत्री वो मंजूर होगी। 5 फरवरी को मुंबई में बीएमसी के बजट से पहले बीजेपी का ठाकरे गुट पर वार, बोले राम कदम, अब भी कुछ अधिकारी उद्धव ठाकरे गुट के दलाल के रूप में कर रहे हैं काम। घर वापसी पर संघ का बड़ा बयान, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, मजबूरी में बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हैं हिंदू। होसबोले के बयान पर एसपी नेता एसी हसन का पलटवार, दलित और द्रविड़ को छोड़कर भारत में सभी विदेशी हैं। पीएम मोदी असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम में अखंड कीर्तन में लेंगे भाग, वर्चुअली होंगे शामिल। त्रिपुरा में जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में जुटे, छोटी बड़ी 35 रैलियां करने का कार्यक्रम। 4 फरवरी को देवघर जाएंगे अमित शाह, कारखाने की रखेंगे आधारशिला। खाद कारखाने की आधारशिला रखने के बाद गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण मामले में सुनवाई, राज्यों के कानून के खिलाफ याचिका। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की बेटियां घर लौटी तो हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर चैंपियन खिलाड़ी श्वेता सहरावत के फैंस और घर वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जबरदस्त वेलकम। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली बेटी तिता साधु का हुगली में हुआ जमकर स्वागत। ग्रेटर नोएडा पहुंची अंडर 19 महिला T20 चैंपियन प्लेयर पार्श्वी चोपड़ा, लोगों में दिखा उत्साह। वुमेन्स वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी सोनम यादव आज अपने गांव राजा के ताल पहुंची, भारी भीड़ ने किया सोनम का स्वागत। तुनिशा मौत मामले में एक्टर शिजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने नहीं दी जमानत। भोपाल जिले के इस्लाम नगर गांव का बदला गया नाम, जगदीशपुर होगा नया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के बाद 4 कश्मीरी युवकों को किया रिहा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने जताया आभार। ट्रेन प्रसंग में गर्भवती हुई युवती की गर्भपात वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एम्स को दी खास जिम्मेदारी, सुरक्षित डिलीवरी और देखरेख का जिम्मा दिया। समस्तीपुर में मनाया गया पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की 100वीं जयंती समारोह, शहादत स्थल पर नगर निगम की मेयर सहित कई लोगों ने किया माल्यार्पण। कौशाम्बी में एक दुकानदार पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। चुरू में ट्रेन में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, 2 दिन से लापता थी नाबालिग छात्रा। कानपुर में स्कूल में पकड़ा गया लाखों का पान मसाला, GST टीम कर रही है जांच। पीलीभीत पर जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों ने की पड़ोसी की हत्या, आरोपी हुए फरार, जांच जारी। हुगली में एक स्टील फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, घटना में 2 की मौत, 4 लोग घायल। जामनगर में पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 1,33,00,000 की शराब पर चला बुलडोजर। सोनीपत में बाल विकास सदन की छत से गिरने से नाबालिग लड़के की मौत, जांच जारी। बेगूसराय में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आक्रोशित लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। कौशाम्बी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के स्कूल से लाखों की चोरी, 3 छात्र गिरफ्तार। भोजपुर में पुलिस ने अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा, शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। इंदौर के BCM ग्रुप एंड बिल्डर पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग शहरों में 45 से जगह ठिकानों पर की गई छापेमारी। आरा में परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाया आरोप। समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या, लूटे 3 लाख के आभूषण, पूछताछ जारी। दादरी में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में युवाओं ने लगाए धांधली के आरोप, भर्ती कार्यालय पहुंचकर की गई शिकायत। थाने में पठान देखने गए पति पत्नी से सिनेमा घर के दरवाजे पर मारपीट, लोहे की रॉड से किया गया वार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सरपंच सचिव से फोन पर कलेक्टर बनकर की गई ठगी की उठाई गई भारी भरकम मांग, FIR दर्ज। भिंड में कम कीमत के कपड़े नहीं देने पर दुकानदार के साथ 4 बदमाशों ने की मारपीट, CCTV में कैद वारदात। मेरठ में दुकान में सुरंग खोदकर अंदर घुसे चोर, चोरी में नाकाम होने पर सॉरी का लिखा मैसेज।
समस्तीपुर में 5 फरवरी को बिजली की आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहने का नोटिस।